हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू और वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैंने ये एगलेस पाइनएप्पल के जो केक है वो बनाए हैं। ये इसको बनाना बहुत ही इजी है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इसमें जो कैरेमल और पाइनएप्पल का टेस्ट है बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ कि इसको मैंने कैसे बनाया है। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, कैरेमल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून बटर के और 1/2 कप जो है ब्राउन शुगर का लिया है। और बैटर को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1/2 कप वाइट शुगर का लिया है, 1 कप मैदे का लिया है, 1/3 कप जो है योगर्ट का लिया है, 1/4 कप ऑयल का लिया है और येलो फूड कलर लिया है, ये ऑप्शनल है। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर का लिया है और कैंड पाइनएप्पल के स्लाइसेस लिए हैं और चेरीज लिए हैं। और जिस भी डिश में मैंने अपना जो केक है बेक करना है वो डिशेस ली हैं। ये मेरे पास स्मॉल है, आप एक डिश में भी, बड़ी बेकिंग डिश में भी इस केक को बना सकते हैं। तो कैरेमल बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक फ्राई पैन लूँगी और गैस को ऑन कर दूँगी। उसमें मैं बटर को डालकर बटर मेल्ट होने, जब बटर मेल्ट हो जाएगा तो फ्रेंड्स मैं इसमें ब्राउन शुगर को डाल दूँगी और ब्राउन शुगर को भी अच्छी तरह से मेल्ट होने दूँगी। जब ब्राउन शुगर भी बटर के साथ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी तो फ्रेंड्स मैं इस शुगर को बेकिंग डिश में डाल दूंगी, जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूं। और इसको डालने के बाद मैं इसमें जो पाइनएप्पल की स्लाइसेस हैं वो रख दूंगी और पाइनएप्पल की स्लाइसेस के जो होल हैं उसमें मैं चेरीज को डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये केक बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे मैंने अपने सारे बेकिंग डिश तैयार कर लिए हैं। तो अब हम बैटर बनाएंगे। बैटर में सबसे पहले मैं योगर्ट को डालूंगी और उसके बाद उसमें मैं शुगर को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। तो फ्रेंड, जब शुगर और योगर्ट अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो इसमें मैं ऑयल को डालूंगी और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। और फ्रेंड्स, जो मैदा है आपने उसको थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छी तरह से मिक्स करना है, एक साथ आप मैदा ना डालें। और अब मैं इसमें बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, जब मैदा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो इसमें मैं 2 टेबलस्पून जो कैंड पाइनएप्पल का जूस है वो डाल दूँगी। उससे आपके जो केक का फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो आपका जो बैटर है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। हमारा जो बैटर है वो तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें 5 से 6 ड्रॉप्स येलो कलर की डाल रही हूँ। तो ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो हमारा जो बैटर है आप देख सकते हैं अच्छी तरह से तैयार हो गया है। इसको मैं बेकिंग जो हमारी डिश है उसके ऊपर डाल दूँगी। आपने बेकिंग डिश को ऊपर से ऊपर तक नहीं मलना, थोड़ा सा आपने उसको स्पेस छोड़नी है ताकि, क्योंकि हमारे जो केक है वो फूलेंगे भी तो इसको ऊपर तक ना भरें। तो अब मैंने जो ओवन है वो मैंने प्री हीट कर लिया है 170 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट्स के लिए। तो हमारा ओवन जो है प्री हीट हो चुका है तो इसमें मैं केक को रख दूंगी और 20 मिनट्स में जो हमारा केक है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो 20 मिनट्स हो गए हैं, तो 20 मिनट्स के बाद मैंने अपने केक को निकाल लिया है। तो आप केक को चेक करने के लिए एक टूथपिक की हेल्प से उसको चेक कर सकते हैं कि आपके केक तैयार है कि नहीं। फिर केक को 3 से 4 मिनट तक ठंडा होने दें। फिर एक स्पून को लेकर उसकी बैक साइड से आप उसको जो एजिस है केक की उसको लूज़ करें ताकि आप जो केक है वो आसानी से निकल जाए। तो जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, आप केक को निकालें, आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से जो केक है वो निकल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये केक बहुत ही अच्छा बनता है। और फ्रेंड्स, आप इसको वनीला आइसक्रीम के साथ और या फिर व्हिप्ड क्रीम के साथ सर्व करोगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। बाय।